हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ इजी किचन हैक्स में। आज हम बनाने जा रहे हैं 5 डिफरेंट हेल्दी टिफिन रेसिपीज बच्चों के लिए। थोड़ा सा मॉडर्न स्टाइल में टिफिन की रेसिपीज हम देखेंगे और बहुत ज़्यादा आसान होगा, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अभी तक नहीं देखी है टिफिन की, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पूरी देखने के बाद अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पहली टिफ़िन रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे हम ले लेंगे रवा। तो ये मैं 1 कप रवा का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर, और इसमें हम डालेंगे 1/2 कप दही। 1 कप रवा में 1/2 कप दही और 1/2 कप पानी डाल देंगे हम, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सूजी बहुत ज़्यादा पानी सोखती है, रवे को सूजी भी बोलते हैं। सूजी बहुत पानी पीती है, इसलिए पानी थोड़ा सा और अगर ज़रूरत हो तो आप डाल सकते हैं। सेमी थिक बैटर बना करके तैयार करेंगे और इसे हम ढक करके 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। जब तक हमारी सूजी अच्छे से फूल रही है, हम यहाँ पे 1 टमाटर, 1 प्याज, 1 शिमला मिर्च और थोड़ी सी धनिया कट कर लेंगे। सब्जियों को हमें बारीक काटना है और इसमें आप अपने पसंद की सब्जियाँ डाल सकते हैं। अगर आपके बच्चे को और कोई भी सब्जी पसंद हो तो आप वो भी बारीक काट के इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने सब्जियों को रफली चॉप किया है और अब सारी सब्जियों को मैं एक साथ एक चॉपर में डालूंगी और इसे फाइनली चॉप कर लूंगी। सब्जियां जितनी बारीक होंगी उतना अच्छा होगा, इसलिए कोशिश करिए कि आप इसे फाइनली चॉप करिए। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारी सब्जियां कट करके बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल इस तरीके से आपको कट करना है। यहाँ पे इसे फूल के भी 10 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि अब थोड़ा सा थिक हो गया है। अब यहाँ सब्जियाँ डाल देंगे, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अगर आपका बच्चा तीखा खाता है तो ही लाल मिर्च का पाउडर डालिए। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें से जो भी मसाले आपके पास हो आप वो डाल सकते हैं, अगर कुछ ना हो तो स्किप करिए। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। एक तवे पे थोड़ा सा तेल डालेंगे और इस पे हम छोटा छोटा इस तरीके से फैला लेंगे। आप चाहें तो एक बड़ा सा भी बना सकते हैं, पर मेरी बेटी छोटी है तो मैं इसलिए छोटे छोटे बना रही हूँ। 2 मिनट के लिए एक तरफ से सिकने देंगे मीडियम फ्लेम पर, और उसके बाद इसे पलट लेंगे। दूसरी तरफ से भी हम इसे अच्छी तरीके से सेक लेंगे, पका लेंगे, और जब दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाए तो ये तैयार है। अब आप टिफिन में इसे 1 या 2 जितने बड़े आपके बच्चे हैं उस हिसाब से दे सकते हैं। दूसरी रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे हमने रख दिया है पानी। पानी में डालेंगे 1 चम्मच तेल और थोड़ा सा नमक। पानी को हम अच्छी तरीके से बॉईल होने देंगे और उसके बाद उसमें डाल देंगे पास्ता। आप किसी भी पास्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पेने पास्ता का इस्तेमाल किया है। 10 मिनट तक पास्ता को बॉईल कर लेंगे, अच्छे से पक जाए तो उसे छान देंगे। अब यहाँ पे एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल देंगे, इसमें डालेंगे 1 प्याज। प्याज को हम थोड़ा सा भून लेंगे 2 मिनट के लिए। थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च और टमाटर। आप इसमें अपने पसंद की सब्जियां डाल सकते हैं। इन सारी सब्जियों को हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, और इसमें डाल देंगे नमक ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। अब इसे ढक देते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद ये देखिए, सब्जियाँ अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे रेड चिली सॉस 1 चम्मच, डार्क सोया सॉस 1 चम्मच, विनेगर 1 चम्मच और 1 चम्मच टोमेटो सॉस डाल देंगे। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ओरेगैनो, चिली फ्लेक्स डालेंगे थोड़ा सा,
आप चाहें तो इसमें देसी मसाले डाल के, हमारा गरम मसाला पाउडर ये सब डाल के भी आप इसे बना सकते हैं, अगर आपके पास सॉसेस ना हो तो। अब यहाँ पे हम डाल देंगे पास्ता, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और अगर आपको चीज़ पसंद हो तो आप ऊपर से थोड़ा सा चीज़ भी ग्रेट कर सकते हैं। चीज़ को हम एक मिनट के लिए पका लेंगे ताकि ये अच्छे से मेल्ट होके मिक्स हो जाए, और यहाँ पे हमारा पास्ता बन करके बिल्कुल तैयार है। तीसरी रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे एक पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा घी। आप बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर तेल भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पनीर मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट किया है, इसमें डाल देंगे चिली फ्लेक्स या फिर लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा ओरिगैनो डालेंगे या फिर काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। अब यहाँ पे आप या तो टोमेटो सॉस या तो फिर सेजवान चटनी आपके पास हो तो वो डाल के अच्छे से मिक्स करिएगा। तो एक चम्मच डालने के बाद इसे एक मिनट तक भूनेंगे, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा चीज़ अगर आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो फिर आप स्किप कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल रेडी है, पनीर को ज़्यादा नहीं पकाना है नहीं तो ये हार्ड हो जाएंगे, 2 मिनट तक ही पकाना है सिर्फ। अब यहाँ पे ब्रेड पे हम लगा देंगे टोमेटो सॉस या फिर आप मायोनीज भी लगा सकते हैं, और ये जो हमने तैयार किया है पनीर इसे हम रख देंगे ब्रेड के ऊपर। दूसरे ब्रेड की स्लाइस पे भी हम टोमेटो सॉस लगा लेंगे, और बस यहाँ पे इसे बंद करते हैं, और ऊपर से हम लगा देंगे बटर। तो मैं टोस्टर में बना रही हूँ, आप इसे तवे पर भी बना सकते हैं। तवे पे भी आपको दोनों तरफ से एक एक मिनट के लिए लो फ्लेम पर सेकना होगा। ये देखिए जब इस तरीके से गोल्डन कलर आ जाए तो बस अब इसे हम कट करेंगे और सर्व करेंगे। तो आप बच्चों को हफ्ते में एक दिन इस तरीके से पनीर सैंडविच की टिफिन बना करके दे सकते हैं। चौथी रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है बटर, ये 3 चम्मच बटर है, और इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटी हुई हरी धनिया। अगर आपका बच्चा धनिया नहीं खाता है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ले ली है 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, और इसे अच्छी तरीके से ग्रेट करके हम इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, अगर आपका बच्चा तीखा खाता है तो ही चिली फ्लेक्स डालिए, नहीं तो फिर आप स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं डाल रही हूँ 1 पैकेट ओरिगैनो, ओरिगैनो हो तो डालिए नहीं तो फिर आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, आपका बटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए ताकि सारी चीज़ें हम अच्छे से मिक्स कर पाए। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है पाव, आप पाव की जगह पर ब्रेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमने गार्लिक बटर बनाया है, इसे हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे, अच्छे से लगाइएगा, लगाने में कंजूसी नहीं करेंगे। और अगर आपके बच्चे को चीज़ पसंद है तो आप ऊपर से चीज़ भी ग्रेट कर सकते हैं, और अगर नहीं पसंद है तो बस ऐसे ही इसे सेक लेंगे हम। पैन में थोड़ा सा बटर डालेंगे और यहाँ पे हम रख देंगे ये पाव, और इसे हम 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर सेकेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए, नीचे से कुछ इस तरीके का गोल्डन कलर आ जाए, तो बस हमारा गार्लिक ब्रेड बन करके बिल्कुल तैयार है। बच्चों को आप हफ्ते में एक दिन ये भी बना के दे सकते हैं। पांचवी और आखिरी डिश बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 100 ग्राम पनीर। इसे अच्छी तरीके से या तो फिर आप ग्रेट कर लीजिए या तो फोक की हेल्प से इस तरीके से मैश कर लीजिए। तो मैं फटाफट से इसे फोक से मैश कर लेती हूँ। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। इन सारी चीज़ों को हम एक बार अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे एक बोल में हम ले लेंगे बेसन, तो 1 कप बेसन लिया है मैंने। इसमें डालेंगे हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हींग डाल देंगे, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, पानी डालेंगे और इसका एक बैटर बनाएंगे। पकौड़े को फ्राई करने के लिए जैसा बैटर हम बनाते हैं बिल्कुल उस तरीके का बैटर हमें बनाना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए।
अब इसमें डालेंगे पिंच भर बेकिंग सोडा, एक बार और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे हम चटनी बनाएंगे, तो जार में डालेंगे लहसुन, टमाटर, धनिया और मिर्ची। तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए चटनी बन करके तैयार है। ब्रेड की स्लाइसेस ले ली है मैंने, 2 ब्रेड की स्लाइसेस पे मैं टोमेटो सॉस लगा रही हूँ। अच्छी तरीके से फैला लेंगे और ये जो पनीर हमने बना करके रखा है इसे इसके ऊपर इस तरीके से फैला लेंगे हम। हरी चटनी हम दूसरे ब्रेड की स्लाइस पे लगाएंगे, इससे तीखा और मीठा दोनों ही टेस्ट आता है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अब अगर आपके बच्चे को चीज़ पसंद है तो आप चीज़ ग्रेट करके इस पकौड़े को बना सकते हैं या फिर बिना चीज़ के भी इसे बना सकते हैं। बेसन के बैटर में इसे अच्छी तरीके से डिप कर लेंगे। अब इसे हम डालेंगे गरम तेल में। तेल अच्छा गरम होना चाहिए, नहीं तो फिर ये बहुत ज़्यादा तेल पी लेगी। तो इसे हम दोनों तरफ से एक एक मिनट के लिए फ्राई करेंगे या फिर जब तक ये पकौड़ा थोड़ा सा गोल्डन कलर में नहीं आ जाता तब तक फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को हम फ्राई करते समय मीडियम रखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे एक पकौड़ा बिल्कुल तैयार है, इसे निकाल लेते हैं और अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि अंदर से किस तरीके का है। तो ये देखिए इस तरीके से आप बच्चे को टिफ़िन में हफ्ते में एक दिन दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।